नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में। मैं हूं आसिया। आज झारखंड के लिए ऐतिहासिक दिन रहा। आज झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया था और आज सत्र में 1932 खतियान और ओबीसी आरक्षण का मामला पेश किया गया, ये विधेयक पेश किया गया और इसे सर्वसम्मति से पारित कर लिया गया। वाकई ये झारखंड वासियों के लिए ऐतिहासिक दिन रहा और आज जिस तरह से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगे, इसके अलावा जो खतियान के जो विधेयक हैं उसे लेकर भी कई सवाल विपक्षी पार्टियों ने उठाए, आरजेएसयू और बीजेपी ने उठाए हैं। कई टेक्निकल इसमें चीज़ें हैं उसे लेकर सवाल उठाया गया है, जिस पर जवाब भी जेएमएम की तरफ से आया है और सर्वसम्मति से हालांकि ये पारित हो गया क्योंकि झारखंड वासियों की काफ़ी पुरानी मांग थी और इस पर अपनी पीठ भी थपथपा रही है सत्ताधारी पार्टियां। लेकिन बीजेपी का क्या इस पर रिएक्शन है? साथ तो दिया है बीजेपी ने, लेकिन क्या इसमें खामियां बीजेपी को नजर आती हैं, समझने और जानने की हम कोशिश करेंगे। साथ ही आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जिस तरह से सदन में बयान दिया, सदन में जो उन्होंने भाषण दिया उसमें बहुत सारे आरोप उन्होंने बीजेपी पर लगाए हैं, इन सब पर रिएक्शन हम लेंगे। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हजारीबाग के सदर विधायक मनीष जायसवाल। मनीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, इसमें 1932 खतियान लागू होने में बीजेपी का साथ मिला, लेकिन बीजेपी को ऐतराज किस चीज था? लगातार सीएम भी बोल रहे थे कि मामला को टालना चाहती है, 1985 पर लाकर रोकना चाहती है बीजेपी। देखिए, थोड़ा इसको ना गंभीरता से समझना पड़ेगा। सबसे पहले तो हम लोग समर्थन करते हैं इस चीज़ का कि भाई ये दोनों मांगे बहुत पुरानी हैं और राज्य के जनता के इंटरेस्ट में है। लेकिन अब जिस तरीके से ये लाया गया है और जो मेथडोलॉजी इसकी यूज़ की गई है उसमें क्या ये संभव हो सकेगा, वो सोचने योग्य बात है। अब आप सबसे पहले अगर हम लोग 32 की बात करें तो इसमें बहुत सारी खामियां हैं जिसको कि इन्होंने एड्रेस नहीं किया है। जैसे एग्जांपल 32 को अगर आप आधार मानते हैं तो 32 के बाद जो जमींदारी प्रथा जब समाप्त हुई, बहुत सारे लोगों को उसके बाद में ये मिला, पर्चा मिला, सेटलमेंट का कागज मिला, उनका क्या होगा? बहुत सारे सर्वे 65 में हुए हैं या उसके बाद में हुए हैं, उनका क्या होगा? कोई अगर व्यक्ति सपोज कीजिए पंजाब से आके झारखंड में नौकरी कर रहा है, उसका बच्चा अगर यहीं पैदा होता है, यहीं पला बड़ा है, वो तो क्या वो ना तो पंजाबी रहेगा ना झारखंडी रहेगा? इन सब एड्रेसेस को, इश्यूज को एड्रेस नहीं किया गया है। दूसरा चीज आपने देखा होगा कि अभी जो बांग्लादेशी, अभी आज ये राज्य बांग्लादेश घुसपैठियों से परेशान है, यहाँ के जो साधन है, जो नौकरी है, वो उनके द्वारा, विदेशियों के द्वारा एक तरह से कहा जाए तो लूटा जा रहा है। अभी आपने कह दिया कि भाई ग्राम सभा में जो जिसको ग्राम सभा पास कर देगा उसको आप जो है मान लेंगे कि वो पुराना, अगर उसके पास लैंडलेस है तो जिसको ग्राम सभा पास करेगा उसको आप यहाँ के खतियानी मान लेंगे। तो ऐसे में पाकुड़ में, साहेबगंज में और ये जो बॉर्डरिंग इलाके हैं जो कि इन्फिल्ट्रेशन का जो शिकार रहा है, यहाँ बांग्लादेशियों का बहुत बड़ी संख्या में तो आगमन हो जाएगा। क्या सजेशन देती है ऐसे जो बॉर्डर इलाके हैं? एक बार आऊं कि ये इनको इसके पीछे लाने का कारण क्या है। ये चाहते हैं कि बांग्लादेश घुसपैठियां इस देश में आए और इनका वोट बैंक बढ़े, पहला तो इनका एजेंडा ये है। तो ये इस चीज को इनको समझना पड़ेगा। दूसरा जो आपका इसका मामला है ओबीसी आरक्षण का, तो आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा क्लैरिटी के साथ कहा है कि भाई राज्य जो है वो अपना रिजर्वेशन लागू कर सकते हैं, लेकिन उनको सर्वे करना होगा वहाँ सामाजिक समाजों का और ये का कि भाई आपके यहाँ कौन कौन लोग रहते हैं और उनके आधार पे फिर आप उसको आरक्षण दे सकते हैं। ये कह के सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट टाइम खारिज कर दिया था। आपने बिना कुछ परिवर्तन किए हुए सेम उसी प्रकार से जो है उसको पारित कर दिया है 27% देने का। अभी फिर कोई सुप्रीम कोर्ट जाएगा अगर, या कोर्ट जाएगा तो कोर्ट फिर से खारिज करेगी कि भाई ये संभव नहीं है। पक्ष में है लेकिन तकनीकी चीजें मजबूत होनी चाहिए। मैं आपको एक बात और जो बहुत महत्वपूर्ण है वो बताने जा रहा हूँ कि देखिए ये लोग चाहते हैं कि 9वीं अनुसूची जो देश का है उसमें शामिल हो जाए। आपने देखा होगा कि रघुवर जी ने 1985 को कट ऑफ डेट मानते हुए उन्होंने कैबिनेट से पारित किया था और उस आदेश को लागू कर दिया था, स्थापना से जोड़ करके, नियुक्ति से जोड़ करके उसको लागू कर दिया था। उसके बाद जितनी भी बहालियां हुई उसमें ये नियम जो है वो लागू था।
अब इनको कौन रोक रहा था कि भाई आप इसको लागू भी करो और अगर आप इसको सुरक्षा कवच पहनाना चाहते हैं तो आप उसको अनुसूची 9 में भी भेजिए। लेकिन आपका ये निर्णय कि केवल हम लोग 9 में भेज करके, दिल्ली भेज करके और वेट करेंगे, मुझे तो दाल में काला दिखता है कि ये अंदर से चाहते नहीं है कि ये हो। अगर आप ओबीसी रिजर्वेशन की बात करें तो आज आप 27% की बात करते हैं, लेकिन अभी पंचायत का चुनाव गया, ओबीसी आरक्षण था क्या? नहीं। अभी नगर निगम का चुनाव होने जा रहा है, ओबीसी आरक्षण है क्या? आपने स्पष्ट कर दिया कि हम नहीं करेंगे, तो आपको कौन रोक रहा है? ये नगर निगम का चुनाव अगर 6 महीने के बाद हो जाएगा तो कौन सा बड़ा आफत हो जाएगा? या पंचायत का चुनाव अगर 6 महीने रुक करके होता तो क्या बड़ी आफत हो जाती? आपने 2 साल टाल के रखा, 6 महीने आप और टाल सकते थे, लेकिन चूंकि आप ओबीसी विरोधी हैं इसीलिए आपने ये काम किया है। तो हम लोग चाहते हैं कि ये दोनों चीज़ें लागू हो, लेकिन जिस तरीके से ये पास की गई हैं, जिस तरीके से इसको प्रेजेंट कराया गया है, वो बिल्कुल धोखा है। और इस राज्य की जनता को, हमको लगता है कि कुछ हाथ में आने वाला नहीं है। आपने आज विधानसभा में एक ड्रामा भी देखा होगा कि विपक्ष बोलता रह गया कि भाई हम लोग को भी बोलने का अवसर दिया जाए। ये बहुत बड़ी घड़ी है, झारखंड के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। समानता इस विधानसभा में इससे बड़ा कोई मुद्दा नहीं आया होगा, लेकिन बोलने नहीं दिया गया। लेकिन बाद में जब पूरे बिल्स पास हो गए तो माननीय अध्यक्ष महोदय ने यह कह करके मुख्यमंत्री जी से उनका जो प्री प्लान्ड एजेंडा था, उनका जो बयान था, वो लिया कि आप बोलिए कुछ बोलना चाहते हैं क्या, किस नियम कानून से, कुछ पता नहीं है। अगर हम विपक्ष के लोग समय मांग रहे हैं बोलने के लिए तो उनके पास नियम है, लेकिन सत्ता पक्ष के लोग अगर अपना पब्लिसिटी करना चाहते हैं तो उसके लिए अध्यक्ष के पास कोई नियम नहीं है। बिल पास हो जाने के बाद कोई भी किस कानून के तहत उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी को बोलने दिया, ये अध्यक्ष जी को बताना चाहिए। तो ये एक पूरा स्टेज अगर आप देख, पूरे शुरू से आपने देखा होगा तो एक पूरा ड्रामा था। आप अगर हम आपको और डिटेल में बताना चाहें तो इस राज्य की स्थापना भारतीय जनता पार्टी ने की। आपको याद होगा कि जेएमएम ने इस राज्य को बेचने का काम किया था। आपको दिल्ली की घटना याद है, जो वो घूसकांड याद है, तो इन लोगों ने समय समय पर बेचा ही है। हम लोगों ने इस राज्य को आगे बढ़ाने का काम किया। आज जब इनकी सत्ता आई, झूठ से फरेब से कि हम 5 लाख नौकरी देंगे, बेकारी भरता देंगे, हम बिजली फ्री कर देंगे, आज ऋण माफ कर देंगे, आज बिजली फ्री हुआ। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इनके मीटर्स टेम्पर्ड है। जो मीटर पहले 300 की रीडिंग करता था, आज 400 की रीडिंग कर रहा है। पब्लिक केवल ताली बजा रही है, उसके हाथ कुछ नहीं आ रहा है। कृषि ऋण का आप देख लीजिए कितना पैसा ऋण बाकी था, आज कितना इन्होंने पेमेंट किया है। तो ये सरकार बिल्कुल धोखे पे चल रही है। और मैं तो ये कहूंगा कि ये जो ईडी का प्रेशर है, अभी आप देख रहे होंगे इनके बहुत सारे नेता और बहुत सारे विधायक जो है किसी न किसी तरीके से ट्रैप में है। आप कह सकते हैं कि भाई हम लोग ईडी का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन क्या पैसा भी हम ही आपके घर में रखते हैं क्या? किसी पदाधिकारी के घर से? की बात आपने छेड़ी है मनीष जी। तो सीएम का बयान भी आज आपने सुना होगा सदन में, जो उन्होंने दिया है, बड़ा गंभीर उन्होंने आरोप लगाया है। ईडी और आईटी तो बोलते ही रहे हैं हेमंत सोरेन के केंद्र से जब अपना हक मांगो तो ईडी और आईटी बीजेपी छोड़ देती है, केंद्र छोड़ देती है पीछे। लेकिन आज उन्होंने कहा है कि इनके मुखिया पीएम भी फोन पर धमकी देते हैं। ठीक है, अगर ये तो संविधान का विषय है, अगर इनको लगता है कि कोई धमकी दे रहा है तो इन्हीं का थाना है, इन्हीं का पुलिस है, इनको जाकर के केस करना चाहिए या किसी फोरम पर जाना चाहिए। ये सदन में बोलने जैसा विषय तो नहीं है कि हमारे कौन किन्होंने धोखा दिया। और आज इन्होंने इंतजार क्यों किया इतना करने के लिए? देखिए, क्या वस्तु स्थिति ये है कि ईडी ने चार्जशीट फाइल किया है जिसमें इनके सांसद विधायक जो प्रतिनिधि हैं उन पर 1000 करोड़ के घोटाला का आरोप है। जो मैडम पदाधिकारी जो जेल गई हैं उनके घर से, उनके आसपास से 20 करोड़ रुपया निकलता है। अगर ये लोग सही होते तो हाईकोर्ट से इनको बेल मिल जाता। सरयू राय सवाल उठाते रहे मनीष जी इस पर कि जब पूजा सिंघल जेल गई
और उस मामले के तार रघुवर तक भी पहुंच रहे हैं। सीएम को जब सम्मन आ रहा है तो रघुवर को सम्मन क्यों नहीं जा रहा, लगातार वो इस मामले को उठाते रहे। देखिए उन तो ये तो इशारा करता है ना कि मैं आपको ईडी और सीबीआई भी किसी के इशारे पर काम कर रहे हैं। मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगा इस मामले में कि अगर कहीं पर भी जो इन्होंने चार्जशीट फाइल किया है, जो इन्होंने आरोप पत्र दाखिल किया है, जो समय समय पर कोर्ट को इन्होंने बताया है, इसमें कहीं पर भी माननीय रघुवर दास जी का नाम फिगर नहीं करता है। अगर आज फिगर करता है, अगर मान लीजिए ईडी, छोड़िए ईडी की बात मैं अलग कर देता हूँ, आप ये मानते रहिए कि ईडी भारतीय जनता पार्टी का टूल है, ये आप मानिए, लेकिन स्टेट में और भी तो एजेंसीज हैं, एसीबी हैं, और भी आप कोई एजेंसी है जिससे आप जांच करा करके अगर उन्होंने कुछ गलत किया तो उस पर आप कार्रवाई कर सकते थे। लेकिन 3 साल बीत गया, आप केवल प्रचार कर सकते हैं, आप केवल बाजा बजा सकते हैं, लेकिन सही में चूंकि कोई गलती हुई नहीं है इसलिए आप कोई कार्रवाई करने के पोजिशन में नहीं है। आपने, मैंने विधानसभा में कई एक बार देखा है कि लोग प्रयास करते रहे कि रघुवर दास जी को घेरे, किसी न किसी रूप में घेरे, बट लेकिन चूंकि तथ्य नहीं है इसलिए ये मामला उनके खिलाफ में आगे नहीं बढ़ता है। तो जाहिर, जब आप खुद नहीं कर पा रहे हैं काम को तो ईडी उस काम को कैसे कर देगी। और मेरा तो केवल इतना ही कहना है कि ये जो कैश पकड़ा रहा है, ये जो कागजात पकड़ा रहे हैं, ये जो इन्वेस्टमेंट्स पकड़ा रहे हैं, ये जो पैसा पकड़ा जा रहा है, क्या ये भी ईडी खुद रख रही है या भारतीय जनता पार्टी के लोग रख रहे हैं? कांग्रेस के तीनों विधायकों के बारे में क्या कहेंगे जिनके पास से पैसे पकड़ा है? आरोप ये लगा कि बीजेपी खरीदने की कोशिश कर रही थी, तोड़ने की कोशिश कर रही थी। देखिए अभी क्या होता है कि विपक्ष को कुछ भी हो, ईडी का नोटिस आए तो बीजेपी, पैसा पकड़ा जाए तो बीजेपी। आपको उनसे प्रश्न करना चाहिए कि ये पैसा कहाँ से आया, किनका है ये पैसा। हम लोग के लिए इतना काफी है कि आज के जमाने में जब सारे ट्रांजेक्शन्स चेक से होते हैं, जब कैश का कोई गुंजाइश नहीं है कहीं पर भी, 2 लाख से ज्यादा का भुगतान अलाउड नहीं है, तो उसमें इतना पैसा लेकर के कोई भी व्यक्ति कहाँ जा रहा है, ये विषय है। आपने देखा होगा कि ये विषय भी ईडी को अब ट्रांसफर हुआ है, तो अब ईडी इसमें जांच करके जो अपना आरोप है वो गठित करेगी या जो आगे का कार्रवाई करेगी। एक स्वतंत्र एजेंसी है, फ्री है करने के लिए, लेकिन ये प्रश्न उनसे पूछना चाहिए कि ये पैसा कहां से आया। मनीष, एक और आरोप बीजेपी पर लगाती रही है सत्ताधारी पार्टियां कि आदिवासी विरोधी है बीजेपी। और आज तो सीएम ने सदन में कहा भी कि बीजेपी ने मधु कोड़ा, अर्जुन मुंडा का करियर खत्म किया और अब बाबूलाल मरांडी की बारी है। देखिए ये सर्टिफिकेट सीएम नहीं दे सकते। अगर आप देखिएगा तो इस राज्य में जितने भी लोग है, जितना विकास का काम रघुवर जी के सरकार में हुआ, माननीय मुंडा जी के सरकार में हुआ, मैं एक उदाहरण से आपको कह सकता हूँ। केवल एक का विषय पर बोलूंगा कि आजादी के बाद से 2014 तक जितनी सड़कें, ग्रामीण सड़कें यहाँ पर थी 22,000 कुछ किलोमीटर, केवल 5 साल में 14 से 19 तक में उतनी ही सड़कें रघुवर दास जी ने निर्माण करवाई। ये किसके लिए बना? राज्य की जनता के लिए बना, जिसमें अधिकांश ग्रामीण सड़क, जब मैं कहता हूं तो अधिकांश ग्रामीण परिवेश के लोग थे। आज वर्तमान सरकार के 3 साल हो गए, विकास का एक भी पैमाना बताएं। आज ये लोग आरोप लगाते हैं मोदी जी पर, आज ही 3,800 कितना करोड़ रुपया जो राज्य को मिलना चाहिए था केंद्र की तरफ से, वो पैसा आज इनको मिल गया है। तो आज के दिन में जैसे ये लोग हर काम इनके जीवन में जो भी होता है वो बीजेपी से ही करवाती है। अगर आप देखिएगा तो इनको लगता है कि पैसा नहीं आ रहा है तो मोदी जी उसमें इफेक्टिव है, लेकिन केंद्र सरकार केवल और केवल विकास की सरकार है, अपने जनता के हित में काम करती है। इन लोगों को हित से कोई मतलब नहीं है। अगर आप देखिएगा महिलाओं को इन्होंने प्रताड़ित किया, जो 1 रुपये में रजिस्ट्री होती थी वो बंद हो गया। किसानों को इन्होंने प्रताड़ित किया, जो 5,000 मुख्यमंत्री कृषि सम्मान की राशि प्रति एकड़ मिलना था वो इन्होंने बंद कर दिया। अब केवल सामाजिक बैलेंस पे ये चाहते हैं कि बांग्लादेश घुसपैठिया है, उनको खतौनी का दर्जा मिल जाए, वो उनके वोटर हो जाए, यही सब चीजें ये लोग करेंगे। वापस खतियान में आते हैं मनीष जी, लगातार झारखंड वासियों की मांग रही है ये कि ऐसा खतियान
बने या 1932 का खतियान रहे, ताकि जो यहाँ के मूलवासी हैं, जो आदिवासी हैं, उन्हें नौकरियों में सहूलियत हो, उन्हें उनका हक मिले, क्योंकि आरोप हमेशा लगते रहे हैं कि बाहरी इसका फ़ायदा उठा लेते हैं। लेकिन आज जब ये विधानसभा में पेश किया गया और सत्ताधारी पार्टियां अपनी पीठ थपथपा रही हैं, मजबूरी थी कि बीजेपी को भी सपोर्ट करना पड़ा, तमाम इफ बट के बावजूद बीजेपी ने सपोर्ट किया है, इसका माइलेज जेएमएम उठा रही है। देखिए, सपोर्ट करने का, हम लोग भारतीय जनता पार्टी में जन फ्रेंडली, जो पब्लिक के लिए जो अच्छा है वही काम हम लोग करते हैं। लेकिन आज आप अगर नोटिफिकेशन को पढ़िएगा, उस बिल को पढ़िएगा, तो उसमें लिखता है अनुसूचित जाति ओब्लिक आदिवासी। पहला तो आदिवासी शब्द का प्रयोग संवैधानिक नहीं है, ये किसी अनुसूचित जनजाति के रूप में उनको नोटिफाइड किया हुआ है। तो आप सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए आपने ये लिखा, लेकिन आपने इस राज्य में 14% अनुसूचित जाति के लोग हैं, SC, उनको आपने छोड़ दिया, और कहीं भी उसमें कोई जिक्र नहीं है, उसमें एक भी जिक्र उसमें इन्होंने उसका नहीं किया। आज जो लोग यहीं के हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जब जमींदारी वेस्ट हुई तो बहुत सारे जमींदारों ने अपनी जमीन को लोगों को सेटल किया, बंदोबस्त किया, वो लोग कहाँ जाएंगे, उनके पास तो खतियान है नहीं। इनके अपने दल के लोगों ने कोल्हान से हल्ला मचाया कि भाई हमारे यहाँ 65 का हुआ है, उनका क्या होगा। तो सभी इश्यूज को एड्रेस करना चाहिए था। आपने एक जनरल कह दिया कि भाई जो लैंडलेस हैं उनके बारे में जो है वहाँ की ग्राम सभा करेगी। तो अगर ग्राम सभा में 5 लोग या 10 लोग मिलकर के ग्राम सभा सपोज करो सभी को बोल देती है कि भाई वो आप खतियानी था, तो फिर इस पूरे नीति का क्या फायदा है। तो हम लोग चाहते हैं कि खतियानी लोग जो यहाँ के हैं, आदिवासी मूलवासी, उनका भला हो, लेकिन उनके लिए फुल प्रूफ पॉलिसी आपको बनानी चाहिए। यानी आपका कहना है कि बहुत हड़बड़ी में लिया गया फैसला है, बस एक आई वॉश है जनता के बीच में। आखिर ऐसा क्यों, क्या ईडी का मामला या फिर जिस तरह से राजभवन में लटका हुआ है, लिफाफा नहीं खुल रहा है, ये तमाम मामलों को देखते हुए सीएम हड़बड़ी में? देखिए, दो चीज है, एक तो जनता का माइंड ये भ्रष्टाचार के इश्यूज से डाइवर्ट करने के लिए किया गया है, बस। आप दूसरी ओर देख रही होंगे अभी कि तमाम लोक लुभावने जो उस राज्य के लिए अच्छे हैं कि नहीं है मैं नहीं कह सकता, लेकिन तमाम लोक लुभावने वादे जो कि नहीं पूरे किए जा सकते हैं, वो उसकी एक लंबी लिस्ट बनती चली जा रही है। अभी जो पुरानी योजनाएं हैं उन पर कोई काम नहीं हो रहा है, लेकिन नई ये की जा रही हैं। तो हम लोग को तो लगता है कि ये केवल अपनी जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसको डल्यूट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यक्रम चल रहा है ब्लॉक में, जो है ब्लॉक के घेराव का, वहाँ जन समर्थन का अंबार टूट पड़ा है, जबकि सीएम ने कहा कि गांव में तो अब घुसने नहीं देंगे बीजेपी को लोग। देखिए, इनके कहने से नहीं घुसेगा लोग, ऐसी बात नहीं है। आज के दिन में इनकी जो योजना थी, आपकी सरकार, आपके द्वार, हर जगह उसका क्रिटिसिज्म हो रहा है, क्योंकि कोई काम तो हो नहीं रहा है। इट्स अ कंप्लीट आई वॉश, बिल्कुल ही आवेदन देते हैं लोग, आवेदन रख लिया जाता है, कोई काम नहीं हो रहा है उसमें। और इनको अगर उपलब्धि पूछेंगे तो बता देंगे जी 50 लाख आवेदन आया जिसमें 25 लाख को हम लोगों ने डिस्पोजल किया। लेकिन हम लोग ग्राउंड रियलिटी पे घूमते रहते हैं, किसी का एक जन्म प्रमाण पत्र तक नहीं बन रहा है। तो ये मैनिपुलेशन की सरकार है, मैनिपुलेट कर रही है, कैमरा और प्रचार के माध्यमों से चलने वाली सरकार है, सोशल इंजीनियरिंग करके ये चाहते हैं कि हम चलें। इनको जनहित से कोई सरोकार नहीं है। अगर इनको वाकई ये चाहते हैं कि 32 लागू हो तो इनको कल से लागू कर देना चाहिए 32 को, और लाभ दे देना चाहिए। अभी आप जो बहालियां होंगी उसमें इनको क्यों आप महरूम रखेंगे, 9th शेड्यूल में जब आएगा तो आएगा, तो आप 9th शेड्यूल में भी भेजिए साथ में। तो इसके लिए बीजेपी की रणनीति क्या होगी मनीष जी? हम लोगों ने बोलना चाहा विधानसभा में, यही बात हम लोगों ने बोलना चाहा सदन के बाहर, सदन के भीतर, सदन के बाहर आगे अब क्या रणनीति होगी? देखिए, सदन के बाहर तो हम लोग जागरूकता अभियान जो है वो फैलाएंगे, जागरूकता जागरूक करने का हम लोग प्रयास करेंगे लोगों को कि ये केवल और केवल दिखावे का जो है बिल है, ये केवल आपका ध्यान जो वर्तमान पॉलिटिकल परिस्थिति है, जो ईडी की जो परेशानियां ये लोग फेस कर रहे हैं उससे हटाने के लिए, दान को भटकाने के लिए ये जो बिल आनन फानन में लाया गया है, इसको इम्प्लीमेंट करने का
इनका कोई इरादा नहीं है। अगर इरादा होता तो ये लोग सीधे सीधे उस पर कार्रवाई करते तो शायद संभव था कि हो जाता, लेकिन इन्होंने ऐसा रास्ता चुना है जो घूम घाम करके स्क्वायर वन पे जाएगा, लटक जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष जी इस तमाम बातचीत के लिए। तो बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मनीष जायसवाल विधायक हमारे साथ जुड़े हुए थे। उन्होंने कहा कि क्या खामियां हैं और किस हड़बड़ाहट में सदन के पटल पर यह विधेयक रखा गया 1932 खतियान और ओबीसी आरक्षण, इसमें क्या तकनीकी कमियां हैं जिससे आगे यहाँ की जनता को दो चार होना पड़ेगा। फिलहाल इस डिस्कशन में, इस चर्चा में इतना ही, लेकिन खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 22 स्कोप के साथ।